तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं डिसकंटिन्यू हो गया था, कम से कम मेरे को 1 वीक हो गया था, एक भी वीडियो मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के थे कि मैं वीडियो नहीं बना सकता था और नहीं शूट कर सकता था, नहीं एडिट कर सकता था। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं अब रेगुलर होने वाला हूँ चैनल पर दोबारा से, और आपके लिए न्यू यूनिक कंटेंट भी लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब चैनल क्रिएट करते हैं उसके बाद जब वीडियो अपलोड करते हो ना भाई, तो प्लीज़ व्यूज़ के चक्कर में मत जाया करो भाई। व्यूज़ के चक्कर में जाओगे तो भाई आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ना व्यूज़ देखने हैं आपको, ना सब्सक्राइबर्स देखने हैं, ना आपको वॉच टाइम देखना है कितना है, कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, भाई कुछ मत मैटर करता है स्टार्टिंग में, बस आपको कंटिन्यू वीडियो बनाते जाना है। हाँ, कुछ टाइम आता है जब मैटर करता है कि भाई इतना टाइम हो गया और अब तक व्यूज़ भी नहीं आ रहे, उस वक्त मैटर करता है कि भाई अब व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आप चैनल क्रिएट करते हो उसके बाद आप पहली वीडियो अपलोड करते हो विद SEO करके, तो आपके व्यूज़ नहीं आते, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में व्यूज़ मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कितना कंसिस्टेंट होकर के आप वर्क कर रहे हो। जेन्युइनली अगर आप YouTube पे वर्क कर रहे हो या करना चाह रहे हो, आप इसको अपना फ्यूचर करियर बनाना चाह रहे हो कि हाँ भाई मेरे को YouTube से ही सब कुछ करना है, अपना YouTube पर ही करियर बनाना है, तो भाई स्टार्टिंग में व्यूज़ मैटर नहीं करते, सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते, वॉच टाइम मैटर नहीं करता भाई। मैटर इसलिए नहीं करता बिकॉज स्टार्टिंग है आपकी भाई, बहुत कम लोग जानते होंगे आपस में ही, मतलब 10-5 लोग जो फ्रेंड होते हैं आपको, उन्हें शेयर कर करके आप 5-10 व्यूज़ ले लेते हो और नेक्स्ट वीडियो में आप उससे ज़्यादा चाहत रखते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अगर जो आप एक बार वीडियो अपलोड करते हो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट वीडियो में उससे ज़्यादा व्यूज़ लाने की, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप कुछ यूनिक कंटेंट उनको प्रोवाइड कराओगे। क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में बताते हैं कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, या इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो भाई आप वहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हो वीडियो बनाने के। और व्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, स्टार्टिंग में इसलिए नहीं मैटर करता क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लोग नहीं जानते, और स्टार्टिंग में हम जस्ट यही लेकर के चलते हैं भाई, जितने व्यूज़ आएंगे आ जाएंगे, भाई मेरे को तो कंटिन्यू वर्क करना है इस चैनल पर। और भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसने पहले वीडियो डाली और वो सोचते हैं कि भाई एकदम हज़ारों में व्यूज़ आ जाएँ, एकदम लाखों में व्यूज़ आ जाएँ, या एकदम के में व्यूज़ आ जाएँ, मतलब ऐसा नहीं होता भाई। स्टार्टिंग में होता है भाई, लक का कुछ पता नहीं है, क्योंकि कौन सा टैग आपका रैंक कर जाए तो भाई कुछ पता नहीं है, आपके पहले वीडियो पे भी हज़ारों में व्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को दिखाना चाह रहे हो भाई मेरी तो पहले वीडियो पे इतने व्यूज़ आ गए और नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आपका चैनल सर्च में जा रहा है, नहीं आपकी वीडियो सर्च में जा रही है, तो भाई आप अपनी वीडियो का जो लिंक है वो बहुत सारे जो आपके व्हाट्सएप में आजकल बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो उसमें शेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 100-200-250 व्यूज़ ले सकते हो वहाँ से, लेकिन मैं आपको बताऊँगा वो व्यूज़ आपके किसी काम के नहीं है। जैसे ही आप उस लिंक को ग्रुप में शेयर करोगे तो भाई ग्रुप में जितने मेंबर्स होंगे, मानने की बात है 256 लोगों का ग्रुप होता है, उससे ज़्यादा हम लोगों को ऐड नहीं कर सकते व्हाट्सअप में, और जैसा मानने की बात है उसमें से 50% लोगों ने आपको देख लिया कि हाँ भाई इस बंदे ने कोई लिंक डाला है, चलो देख लेते हैं। और जैसा ये आपके उस पर क्लिक करते हैं तो भाई वो सिर्फ 10-15 सेकंड रुकते हैं, वहाँ हद से 30 सेकंड रुक जाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको क्या पता वो कंटेंट अच्छा ही ना लग रहा हो या उनके नीश का ही नहीं हो। अगर जो आपका कोई टेक्निकल ग्रुप बना हुआ है आपका 100 लोगों का 200 लोगों का, तो अगर जो आप वहाँ पर शेयर करेंगे, हो सकता है वे लोग कुछ सीखने के लिए आपका 2-2.5 मिनट देख लें या 3 मिनट देख लें या पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है, वहाँ पे आपका ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा जाएगा अगर जो किसी आप टेक्निकल ग्रुप में शेयर करते हो। और अगर जो आप ऐसे ही मतलब ऐसे ही ग्रुप में शेयर कर देते हो किसी भी ग्रुप में, तो भाई वहाँ से आपका ऑडियंस रिटेंशन ख़राब हो जाता है। तो भाई मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि यार मेरी पहली वीडियो पर 200-250-300 व्यूज़ क्रॉस हो जाए यार, तो भाई आप अपना लिंक ग्रुप में शेयर कर सकते हो। अब मैंने ग्रुप में लिंक शेयर करने का बेनिफिट भी और नुकसान भी दोनों बता दिए हैं क्या है। तो भाई स्टार्टिंग में अगर आप चैनल बना रहे हो तो भाई प्लीज़ वॉच टाइम और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में मत भागना भाई, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे। आप स्टार्टिंग करोगे ना भाई, आपको खुद पर खुद ही मोटिवेशन आने शुरू हो जाएगी, जब आप कंटेंट लोगों को अच्छा लगने लगेगा और आप कुछ यूनिक कंटेंट दे रहे हो और लोगों से अलग दे रहे हो, तो भाई आपकी वीडियो को हर कोई देखना पसंद करेगा। आपका थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थंबनेल से भी बहुत मैटर करता है भाई आपकी वीडियो को, और जो आप टाइटल में लिखते हो वो भी बहुत मैटर करता है, जो आप
कीवर्ड्स लगाते हो वो सब भी मैटर करता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बस कंसिस्टेंसी से लगे रहो भाई, क्योंकि मैं भी कंसिस्टेंसी से नहीं था। भाई 1 वीक हो गया था, मैंने कोई वीडियो नहीं आई थी मेरी अब तक अभी, लेकिन मैं वीडियो लेकर आया हूँ भाई। अब कंटिन्यू मैं आपको कुछ यूनिक कंटेंट देने वाला हूँ, साथ ही साथ में अब से 2 से 3 वीडियो के बाद मैं आपके लिए कुछ स्पेशल अनाउंस करने वाला हूँ, उसका भी आप वेट करिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।